हाय पेरेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप अपने न्यूबॉर्न बेबीज की केयर बेटर कर पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज के स्किन के बारे में, जो बहुत ही डेलिकेट है और हमारे स्किन से बहुत ही डिफरेंट है। आई एम डॉक्टर देवेंद्र डांगर एंड वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ द सीरीज न्यूबॉर्न केयर विद डॉक्यूरा। हमारी स्किन में 3 लेयर्स होते हैं। टॉप मोस्ट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, मिडिल वन इज डर्मिस एंड इनर मोस्ट इज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के आउटर मोस्ट लेयर को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं और न्यूबॉर्न बेबीज में ये 30% ज़्यादा थिन होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। एडल्ट्स में स्ट्रेटम कॉर्नियम के 10-20 लेयर्स होते हैं, जबकि न्यूबॉर्न बेबीज में ये सिर्फ 6-7 लेयर्स होते हैं और प्रीटर्म बेबीज में सिर्फ 2-3 लेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस, वाटर लॉस और इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। न्यूबॉर्न बेबीज का डर्मिस भी बहुत थिन और अंडर डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन ड्राई रहती है और हमें उन्हें मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं हमारे स्किन के फंक्शंस के बारे में। ये 4 तरह का बैरियर बन के हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, सेकंड वन इज केमिकल बैरियर, थर्ड वन इज इम्यून बैरियर एंड फोर्थ वन इज माइक्रोबायम बैरियर। न्यूबॉर्न बेबीज का माइक्रोबायम इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, जो उन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाता है। अगर न्यूबॉर्न बेबीज में एंटीसेप्टिक सोप या लिक्विड यूज किया तो उनका नॉर्मल माइक्रोबायम डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज में कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले उनके इंग्रेडिएंट्स, उनका पीएच और उनके साइड इफेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूबॉर्न में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स मोस्टली न्यूट्रल पीएच के होने चाहिए, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो सभी पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारी सीरीज न्यूबॉर्न केयर विद डॉक्यूरा के साथ बने रहिए, ताकि हम डॉक्टर्स और आप पेरेंट्स हम सब मिलकर न्यूबॉर्न केयर को सुधार सकें। थैंक यू।